ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए ग्रुप से आगे बढ़ते हैं काम धाने की खबरों में। खबरपाली के देवसूरी से जहाघानेराव में अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जने की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने देवसूरी मोर्चे में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। पाली की देवसूरी में कई स्थानों पर जलभराव होने से चिकित्सा विभाग ने MLO ऑयल का छिड़काव किया, जिससे मच्छर नहीं पनपेंगे और मौसमी बीमारियों का खतरा काफी हद तक टल जाएगा। पारा के छिपा बड़ौत के ग्रामीण इलाकों में सांसद दुष्यंत सिंह ने नाव दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों के घर पहुंचकर संवेदना व्यक्त की। साथ ही अधिकारियों को मृतक आश्रितों को सरकारी सहायता देने के निर्देश दिए। सीकर के लोसल में विधायक गोर्धन वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने परिवहन मंत्री यूनुस खान को लोसल कुचामन मार्ग पर रोडवेज बस सेवा शुरू करने का ज्ञापन सौंपा, जिस पर मंत्री ने इसका आश्वासन दिया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में ट्रेन की टक्कर से 6 गायों की मौत हो गई। घटना प्रतापनगर कॉलोनी के पास की है। देश प्रेमी ग्रुप के गौ सेवक मौके पर पहुंचे। हादसा इंटरसिटी ट्रेन से हुआ। जयपुर के सामर लेक में क्षेत्र में बारिश नहीं होने से बाजरे फसलें मुरझाने लगी है। मूंग सहित अन्य फसलों पर भी असर पड़ रहा है। क्षेत्र में औसत से भी कम बारिश हुई, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग उठी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने SDM को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में लोगों ने सोमवार को विशाल धरना प्रदर्शन की चेतावनी देते हुए झुंझुनू में CM के दौरे के दौरान विरोध प्रदर्शन की भी बात कही है। जालौर के चितरवाना उपखंड क्षेत्र में डडूसन गांव पिछले 20 दिनों से पानी में डूबा हुआ है। गांव के करीब 70 घर बाढ़ के पानी से गिरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक मौके पर नहीं पहुंचा। हालांकि गांव के लोग तो किसी तरह पानी से बाहर आ गए हैं, लेकिन उनके आशियाने अब भी पानी में डूबे हुए हैं। छलावाड़ के खानपुर में बकाने क्षेत्र के नसीराबाद गाँव में एक विवाहिता को खेत पर अकेली पाकर दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर विवाहिता से मारपीट भी की गई। पीड़िता ने इस्तगासे के जरिए मामला दर्ज कराया है। बकानी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धौलपुर के सेपो में बसई नवाब चौकी पुलिस ने नाकाबंदी कर सघन अभियान चलाया। इस दौरान करीब एक दर्जन वाहनों का चालान किया गया। वहीं एक को शराब पीकर वाहन चलाते हुए गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई ASI विजेंद्र शर्मा ने की। भरतपुर के हलैना में वनखंडी आश्रम पर गोवर्धन जा रही पदयात्रा का संत रविनाथ दास के सानिध्य में ग्रामीणों ने स्वागत किया। साथ ही जलपान भोजन की भी व्यवस्था की। जैसलमेर के पोखरण में BDO ने एक्शन लेते हुए रामदेवरा में बिगड़ी गई सफाई व्यवस्था को लेकर 6 जोन के ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनका एक दिन का भुगतान काट लिया। अलवर के रामगढ़ में 3 फरार अस्थायी वारंटियों को दस्तयाब किया गया। आरोपी RB एक्ट में फरार चल रहे थे। अजमेर के केकड़ी के कादेड़ा गांव में पिछले दिनों महिला को डायन बताकर शारीरिक प्रताड़ना के बाद हुई महिला की मौत के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को अदालत ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। वहीं 2 महिलाओं सहित 5 आरोपी पुलिस रिमांड पर चल रहे थे, जिन्हें रिमांड की अवधि पूरी होने पर अदालत में पेश किया गया था। चूरू के रतनगढ़ में संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए एक युवक को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार किया। वार्ड नंबर 7 निवासी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया। करौली के मासलपुर में उबड़ खाबड़ रास्ते से ग्रामीण व वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। वाहन चालकों को अधिक परेशानी होती है। सागर से तिमनगढ़ किला रास्ते में गड्ढे हो रहे हैं, जिसके चलते यहां कई महीनों से संकट बना हुआ है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अजमेर के विजयनगर में पुलिस ने हाईवे मार्ग पर तेज गति से वाहन चलाने तथा वाहनों पर काली फिल्म लगाकर मोटर व्हीकल अधिनियम की अवहेलना करने पर 14 वाहनों के चालान बनाकर नियमानुसार जुर्माना वसूल किया। अजमेर के रूपनगढ़ में स्वाइन फ्लू ने फिर अपने पैर पसारे और गाँव में चिकित्सा महकमा आंखें मूंद कर बैठा है। सुरसुरा निवासी घासी खा के किशनगढ़ हॉस्पिटल में स्वाइन फ्लू से मौत हो गई। अलवर के गोविंदगढ़ में कस्बे में शाम सखा मंडल ने डाक ध्वज यात्रा निकाली। ये यात्रा प्रातः 6 गणेश मंदिर से खाटू श्याम के लिए रवाना हुई। ये यात्रा शाम को खाटू श्याम पहुंचेगी। भरतपुर के बयाना में जमीनी विवाद में दोहरे हत्याकांड मामले में कोतवाली पुलिस ने खरेली निवासी 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपी निको औद्योगिक क्षेत्र में छिप कर बैठे थे। चूरू के तारानगर में पंचायत समिति सभागार में दिव्यांगों के SSO पोर्टल पर पंजीयन के लिए नोडल अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला हुई। अध्यक्षता करते हुए SDM रामधन मीणा ने बताया कि कलेक्टर के आदेश अनुसार मिशन मोड पर 21-22 अगस्त को ग्राम पंचायतों के अटल सेवा केंद्र पर शिविर लगाए जाएंगे। हनुमानगढ़ के नोहर में राजस्थान शिक्षक अम्बेडकर ने SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर 9 सूत्र की मांगों का निराकरण करवाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि 2012 के शिक्षकों का स्थायीकरण कर बकाया एरियर का शीघ्र भुगतान किया जाए। हनुमानगढ़ के रावतसर में निकटवर्ती ग्राम पंचायत अन्योलखी इंकरालिया रामपुर में विगत दिनों से आए तेज अंधड़ व बरसात से नरमा ग्वार की फसल को नुकसान हुआ।
वहीं मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रभावित किसानों ने विधायक द्रौपदी मेघवाल को ज्ञापन सौंपा। कलावाड़ के मनोर थाना में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने कृषि उपज मंडी में अखंड भारत दिवस मनाया, जिसके अंतर्गत दुपहिया वाहन रैली निकाली गई। कलावाड़ के बकानी में भालता नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार को पिस्टल के साथ पकड़ा गया। पुलिस को देखकर भागने की कोशिश उसने की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और तलाशी के दौरान थैले में पिस्टल मिली। जोधपुर के मंडौर में श्री राम गौ सेवा समिति अजय की ओर से मंडौर स्थित शंकर मठ गौशाला में गायों को 2.25 क्विंटल लापसी खिलाई गई। समिति संचालक वीरेंद्र सिंह परिहार मनसा ने बताया कि इस अवसर पर समिति के सदस्य रेवा शंकर शर्मा, जगदीश प्रजापत उपस्थित रहे। जोधपुर के बालेसर में बालेसर से लेकर 53 मील तक 3 अलग अलग सड़क हादसों में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, वहीं 5 घायल हो गए। पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जोधपुर के भोपालगढ़ में टूटी सड़कों, गंदे पानी की निकासी को लेकर कस्बे के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता का घेराव कर ग्रामीणों ने खरी खोटी सुनाई। गंदे पानी की निकासी, टूटी सड़कों की मरम्मत की मांग यहां पर की। दौसा के महवा में राजकीय टीकाराम पालीवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुए मुख्य समारोह में शहीद की वीरांगनाओं का बहराज ग्लोबल स्कूल के तत्वावधान में सम्मान किया गया। टोंक के उनारा में पलाई में किसान सेवा केंद्र का निर्माण, ग्राम पंचायत की कोरम द्वारा लिए गए प्रस्ताव के विरुद्ध काम बंद करवाने को लेकर SDM कैलाश चंद गुर्जर को सरपंच राम भरोसी मीणा सहित ग्राम के लोगों ने ज्ञापन दिया। टोंक के निवाई में आरिका आदिमती माता जी की शिष्या आरिका श्रुतमती सुबोधमती माता जी के सानिध्य में संत निवास पर अवतरण दिवस पर भक्तांबर मंडल विधान का आयोजन किया गया। टोंक के मालपुरा में श्री गणेश मित्र मंडल के तत्वाधान में मालपुरा से रणथंभौर के लिए 17वीं पदयात्रा पूजा अर्चना के साथ मानस चौक से रवाना हुई। विधायक पालिका अध्यक्ष सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने पदयात्रियों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर के पुष्कर में मंदिरों की नगरी पुष्कर में पाप मोचनी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पाप मोचनी माता मंदिर में सालाना मेला भरेगा। मंदिर के पुजारी ने बताया कि पाप मोचनी माता का भव्य श्रृंगार किया गया तथा विशेष पूजा आरती के साथ जागरण का आयोजन किया गया। अजमेर के नसीराबाद में गत दिनों घर से लापता हुई युवती को पुलिस ने बरामद कर लिया है। गुमशुदा युवती रामदयाल मोहल्ला निवासी किरण थाने पहुंची, इस पर पुलिस ने उसे बरामद कर परिजनों को सूचित कर दिया। अजमेर के ब्यावर में राजकीय अमृत कौर अस्पताल में बने मदर चाइल्ड विंग की खराब लिफ्ट प्रसूताओं के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। दूसरी मंजिल पर पहुंचने या नीचे उतरने के लिए प्रसूताओं को सीढ़ियां चढ़ने या उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। खबर पंचायत में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चल रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणी की खबरों में। खबर अलवर की तिजारा से, जहां कस्बे के फिरोजपुर बस स्टैंड के पास स्थित दुकानों के पीछे 40 से 45 वर्षीय अधेड़ का शव मिला है। पुलिस के एएसआई दयाचंद ने बताया कि कस्बे के लोगों का फोन आया कि फिरोजपुर बस स्टैंड के पास दुकानों के पीछे एक व्यक्ति पड़ा है। सूचना मिलने के तुरंत बाद ही थाना प्रभारी हेमराज सिंह सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का शिनाख्त करवाने के लिए काफी लोगों से पूछताछ जारी की। 12 की अंता में मंत्रालय कर्मचारियों के हड़ताल के चलते कामकाज प्रभावित हो रहा है। यहां लोग सरकारी कार्यालयों में दिन भर चक्कर काटकर चले जाते हैं, लेकिन उनके काम अधूरे ही रह जाते हैं। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में IGM PG कॉलेज की छात्र से अश्लील हरकतें व मारपीट करने के आरोप में पीलीबंगा गांव निवासी छात्र नेता सुनील बेनीवाल, प्रेम पोटलिया सहित 5-6 पर मामला दर्ज किया गया है। अजमेर के अराई में बीजरवाड़ा गाँव में महिला कृषक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। सहायक कृषि अधिकारी गणेशी लाल व कृषि पर्यवेक्षक मंजू चौधरी ने महिलाओं को कृषि संबंधी जानकारी दी। अलवर के रामगढ़ में एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी आम सेफ्ट में 6 वर्ष से फरार चल रहा था। आरोपी ताहिर खान सिकरी थाने में सुकेती गांव निवासी है। भरतपुर के नदबई में स्वच्छ भारत अभियान के तहत नदबई रेलवे स्टेशन पर आगरा मंडल से आए EDPM दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में बच्चों ने रैली निकालकर लोगों को साफ सफाई रखने का संदेश दिया। अलवर के रैणी में ब्लॉक में कार्यरत साक्षरता प्रेरकों ने अपनी मांगों को लेकर विकास अधिकारी मोहन सिंह फौजदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया।
अलवर के भिवाड़ी में सेवा भारती व भिवाड़ी इकाई की ओर से मंडल सेक्टर 4 गांधी कुटीर केंद्र में निःशुल्क सिलाई और कढ़ाई केंद्र शुरू किया गया है। अलवर के कठुमर में पुलिस ने सूखा दिवस पर एक व्यक्ति सहित 6 कोर्ट वारंटियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार सूखा दिवस पर अवैध रूप से शराब बेचते हुए रमेश को गिरफ्तार किया गया। अलवर के किशनगढ़ बाग में शहर के संत कंवर हरि मंदिर में सिंधी समाज की ओर से सिंधी समिति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर समाज के लोगों ने सिंधी भाषा में बात करने और सिंधियत को बढ़ावा देने की बात कही। अलवर के उमरेंड में इस बार पांडुपोल हनुमान और भतहरी का मेला एक ही दिन 29 अगस्त को है। जिन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, घरों में ज्योत जलाकर मन्नतें मांगी जाएंगी। चारों की चितलवाना में राशन के लिए 3 नदियों को पार कर 7 किलोमीटर का सफर तय करके जाना होता है। यहाँ बाढ़ आने के बाद आकोड़िया गांव में पहली बार सहायता के पैकेट लेकर समाजसेवी पहुंचे, जिन्हें देखकर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। हनुमानगढ़ के रावतसर में ग्राम पंचायत रामपुरा मटोरिया के ग्रामीणों ने पेयजल समस्या का तत्काल समाधान करने की मांग को लेकर SDM के मार्फत कलेक्टर को ज्ञापन भेजा। हनुमानगढ़ की पीलीभंगा में गुरु जम्भेश्वर भगवान के जन्मोत्सव पर्व पर श्री गुरु जम्भेश्वर मंदिर में जागरण हुआ। जागरण में स्वामी हरिनारायण जी आचार्य कोलायत ने भजन एवं साखियों से उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। हनुमानगढ़ के पीलीभंगा में पुलिस ने 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह बलतेज सिंह के नेतृत्व वाली टीम ने चेक अनादरण के मामले में कोर्ट से लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे थे। हनुमानगढ़ के टिब्बी में प्रदेश में वॉलीबॉल का हब कहलाने वाले गांव टिब्बी के सिलवाला खुर्द में राज्य स्तरीय अकेडमी खोलने की मांग को लेकर कोच बसंत सिंह मान के नेतृत्व में ग्रामीण जिला प्रभारी मंत्री अजय सिंह किलक से मिले। हनुमानगढ़ के टिब्बी में पुलिस ने 2 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। ASI रामकृष्ण मीणा ने बताया कि बुधवार शाम को तहसील कार्यालय के सामने 2 व्यक्ति नशे की हालत में बीच रास्ते गाड़ी रोक कर उत्पात मचा रहे थे। हनुमानगढ़ के भादा में निकटवर्ती गांव झांसल में युवा क्लब ज्ञान ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में नशा मुक्ति रैली निकाली गई। रैली में बच्चों ने गांव की गलियों में घूम घूम कर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। हनुमानगढ़ के रोहन में गांव मरवाले के निजी स्कूल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भव्य फाउंडेशन भादरा के संस्थापक बजरंग सहारण को शौर और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अलवर के गोविंदगढ़ में थाना पुलिस ने 16 वर्ष से फरार चल रहे 2 वारंटी आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी दौलतराम ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधियों के धरपकड़ चलाए अभियान के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में श्री बालाजी मंत्रमंडल के तत्वाधान में मेहंदीपुर बालाजी धाम से गोवर्धन धाम की 17वीं पदयात्रा 20 अगस्त को रवाना होगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में पटना कोटा एक्सप्रेस 14 अगस्त में एक दिन भी समय पर नहीं आई है, इससे इस ट्रेन से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। दौसा के मेवा में राजकीय टीकाराम परिवार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुए मुख्य समारोह में शहीद की वीरांगनाओं का बहराज ग्लोबल स्कूल के तत्वाधान में सम्मान किया गया। दौसा के लालसोट में प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने उपखंड मुख्यालय पर संचालित केंद्रीय सहकारी बैंक की शाखा का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने शाखा की व्यवस्थाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी ली। जोधपुर के बालेसर में मारवाड़ मेड़ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज जोधपुर जैसलमेर बाड़मेर ग्रामीण की बैठक स्वर्णकार समाज के भवन में कल होगी। समाज के योग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कैलाश चंद धतूना ने बताया कि यह साधारण सभा स्थानीय अध्यक्ष रामूलाल देवाल की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। बैठक में समाज की शिक्षा, व्यापारिक स्थिति, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन की समीक्षा, समाज का राष्ट्रहित में योगदान, टूटते रिश्ते, बिखरते सपने सहित कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। जयपुर के दूदू में 62वीं राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता 21 अगस्त से शुरू होगी। यह 6 दिवसीय टूर्नामेंट ब्राइट स्टार इंटरनेशनल स्कूल में होगा। सिरोही के रेवदर में खनिज विभाग की ओर से लीज पर दी गई बजरी रॉयल्टी वसूली को लेकर इस माह रॉयल्टी ठेकेदार द्वारा एक बार फिर बजरी रॉयल्टी वसूली बढ़ाए जाने के विरोध में लोगों ने बजरी संघर्ष समिति का गठन किया। सिरोही के शिवगंज में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों के आयोजित बैठक में 3 सूत्रीय मांग को लेकर 1 दिवसीय उपवास रखने का निर्णय लिया गया। सिरोही के आबू रोड के दिल्ली में हुई 13वीं राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिरोही जिले की टीम के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वही टीम 2 स्वर्ण 5 रजत 9 कांस्य पदक जीतकर लौटी। लोगों ने टीम का आभार जताया। टोंक के निवाई में गांधी पार्क में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ ने धरना दिया।
कर्मचारियों ने अध्यक्ष राधा कृष्ण चौधरी के नेतृत्व में मंत्रालय कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार कर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना सभा की। टोंक के मालपुरा में नया गांव से इंदौली के दुर्दशाग्रस्त रास्ते से परेशान नया गांव जाटान के लोगों ने एकत्र होकर SDM शंकरलाल सैनी को ज्ञापन दिया। गांववासियों ने ज्ञापन में बताया कि PWD की अनदेखी के चलते रास्ते के अतिक्रमण नहीं हटाए जा रहे हैं। अजमेर के पुष्कर में पुष्कर नगर पालिका अतिक्रमण दस्ते ने कार्रवाई करते हुए 6 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। कुमक्कड़ दुकानदार और थैले वालों को भी पाबंद किया। धौलपुर के बाड़े में कैंसर के डॉक्टर के रूप से मशहूर विशनगिरी बाबा के लक्की मेले की शुरुआत हो गई, जो कि अपने जवाब पर था। ये मेला दो तीन दिन चलेगा। धौलपुर के बसेड़ी में भाजपा मंडल बसेड़ी के बूथ विस्तारकों की बैठक भाजपा मंडल कार्यालय पर हुई। मुख्य अतिथि मंडल धौलपुर के प्रभारी धीरज सिंह जादौन एवं विशिष्ट अतिथि विधायक रानी से लौटे थे। जालौर की रानीवाड़ा में ग्रामीण क्षेत्र में गरबा चौक, मेन बाजार, इंदिरा कॉलोनी, प्रिंस कॉलोनी सहित ऐसे कई स्थानों पर मटकी फोड़ का कार्यक्रम हुआ। कस्बे में मुख्य कार्यक्रम गरबा चौक पर हुआ। छरावाड़ के बनौर थाना में नगर में लोधा समाज ने समाज के छात्रावास में समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि विधायक कंवरलाल मीणा रहे। छात्रावास के बाहर मूर्ति की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार। Thank you.